दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आईफोन आजकल खूब चर्चा में है। ईडी ने उनसे फोन का पासवर्ड मांगा और उन्होंने शेयर करने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी मदद के लिए एप्पल के पास पहुंची थी, जहां से फिलहाल कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए इसको अल्पविराम देते हैं और बात करते हैं आईफोन की, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एप्पल ने आईफोन का पासवर्ड क्रैक करने या डेटा देने से मना किया हो। इससे पहले भी दो बार ऐसा हुआ है और खूब बवाल कटा। पहली बार साल 2015-16 में सैन बर्नांडिनो गोलीबारी केस के सिलसिले में अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी एफबीआई ने आईफोन का डेटा रिट्रीव करने के लिए एप्पल से कहा। साल 2019-20 में भी पेंसाकोला गोलीबारी के अपराधियों के आईफोन डेटा के लिए एफबीआई एप्पल से हेल्प चाह रही थी, लेकिन कंपनी ने यूजर्स की निजता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। साल 2020 वाले मामले में अमेरिकी सरकार और एप्पल के बीच तनातनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी को खूब खरी खोटी सुना दी। ऐसे में समझना ज़रूरी हो जाता है आखिर ऐसा क्या ही कर रखा है एप्पल ने जो आईफोन ओपन करना असंभव जैसा है। सबसे पहले बात करेंगे डेटा इंक्रिप्शन प्लस डेटा प्रोटेक्शन की। आईफोन में एक फीचर होता है जिसे कहते हैं इरेज डेटा। अगर ये फीचर ऑन है और किसी ने 10 बार से ज़्यादा पासवर्ड डाला तो फ़ोन रीसेट हो जाएगा और सारा डेटा साफ। इसके साथ ही जितनी बार गलत पासवर्ड डाला जाता है उतनी बार उस आईफोन को ओपन करने का टाइम बढ़ता जाता है। ये टाइम कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक का भी हो सकता है। फिर कंपनी डेटा को इनक्रिप्ट भी करती है। इनक्रिप्टेड मतलब डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं बल्कि सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है। कंपनी के मुताबिक इस डेटा को वो खुद भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती है। हालांकि सॉफ्टवेयर वर्जन iOS 7 से पहले डेटा का सिर्फ बैकअप होता था, मगर iOS 9 से कंपनी ने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। ये सब सुनकर तो लगेगा कि आईफोन का डेटा मिलना असंभव होगा, मगर ऐसा है नहीं। दो तरीके हैं, हैकिंग और लेगेसी कॉन्टैक्ट। हैकिंग शब्द से अचंभित नहीं होना, क्योंकि साइबर क्राइम से इतर एक काम की हैकिंग और होती है एथिकल हैकिंग, जिसका इस्तेमाल अपराधियों के डेटा को निकालने के लिए होता है। हालांकि बहुत महंगा है। साल 2015-16 में सैन बर्नांडिनो गोलीबारी में जब एप्पल ने आईफोन ओपन करने के लिए बैकडोर नाम का सॉफ्टवेयर बनाने से मना किया तो एफबीआई ने हैकर्स का सहारा लिया। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा फर्म एजिमुथ ने आईफोन ओपन करके दिया। एफबीआई को इसके लिए तब के $1 मिलियन लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। वैसे फोन ओपन कैसे हुआ इसको लेकर आज भी सवाल है। एजिमुथ ने कहा कि उसने फोन के चार्जिंग पोर्ट में कुछ खामी तलाशी और फिर एक प्रोग्राम रन करके लाखों कॉम्बिनेशन से पासवर्ड का पता लगाया था। मतलब एजिमुथ भी फोन के अंदर नहीं घुस पाए। ये एक अकेला मामला है जो अभी तक सामने आया है। लेगेसी कॉन्टैक्ट हैकिंग से इतर एप्पल आईफोन ओपन करने के लिए एक आधिकारिक जुगाड़ भी देती है। दरअसल कंपनी के पास हर साल लाखों लोग फ़ोन ओपन करने की फरियाद लेकर आते हैं। तंग आकर कंपनी ने लेगेसी कॉन्टैक्ट नाम का फीचर लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से अगर यूज़र ने अपने आईफोन में जिसका भी नंबर रजिस्टर किया होगा वो तयशुदा प्रोसेस के साथ उस आईफोन को ओपन कर सकता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनके अपनों की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल के आईफोन का क्या होगा। चूँकि ये कानूनी मामला इसलिए हमने रुख किया सुप्रीम कोर्ट में वकील प्राची प्रताप का, उनसे हमें कुछ ज़रूरी बातें पता चली। सरकारी एजेंसियां किसी से भी पासवर्ड नहीं मांग सकती। कहने का मतलब ये है कि ये तो अपने खिलाफ सबूत देने जैसा हुआ। संकेत भद्रेश मोदी वर्सेस सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआई किसी आरोपी को पासवर्ड या इस प्रकार की जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 20(3) आरोपी को इसके लिए सुरक्षा देता है। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एजेंसी के हाथ बंधे हुए हैं। संबंधित एजेंसी किसी भी एक्सपर्ट या दूसरी एजेंसी की मदद से फ़ोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ओपन करवा सकती है। कुछ ऐसा ही कानून अमेरिका में भी है। अमेरिका के 5th अमेंडमेंट के मुताबिक एजेंसियां आरोपी से पासवर्ड नहीं मांग सकती हैं। वहाँ का संविधान आरोपी को चुप रहने की आज़ादी देता है। संशोधन किसी आपराधिक मामले में खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने से भी रोकता है। हालांकि इसमें भी एक लेकिन है। कुछ केसेस में 5th अमेंडमेंट फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैन पर लागू नहीं होता, मतलब वहाँ भी एजेंसी के पास ऑप्शंस हैं। इसके तहत प्राची से हमें एक और दिलचस्प बात का पता चला। यूएस सेनेटर रॉन वाइडन ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को कई देशों की सरकारें डेटा देने के लिए फोर्स करती हैं। रॉन वाइडन इसी प्रैक्टिस को अमेरिका में अपनाने की बात अपने पत्र में कर रहे थे। रॉन वाइडन के पत्र के जवाब में कंपनियों ने भी इस बात को माना था। कहने का मतलब यूजर की निजता और एजेंसियों की जरूरत को लेकर विकल्प बराबर खुले हुए हैं। बहरहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने सीएम केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया गया है।
आगे इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।